गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना स्कूल ऐप फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए वीडियो, एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए लेक्चर के साथ में। उम्मीद करते हैं अब तक की सारी क्लासें आपके साथ में बेहतरीन जा रही होगी और आपका नॉलेज भी धीरे धीरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आ गया होगा। आई होप सो दैट सारी क्लास में आपके डाउट एक साथ क्लियर हो रहे होंगे। मैं क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपना स्कूल ऐप एक इतना बड़ा लार्जेस्ट पोडियम, इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान के अंदर अपना सफल परचम है वो लहरा चुका है और इतने बड़े पोडियम के अंदर अभी समर क्लासेज शुरू कर रखी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जितने भी नॉन हैं उन सभी को वीडियो शेयर करें, अपना स्कूल ऐप के बारे में बताएं और ये जो समर हॉलीडेज है इनके अंदर बेनिफिशियल इंग्लिश ग्रामर बेसिक कंसेप्ट की। तो हम चाहते हैं कि यह बेसिक कंसेप्ट हर घर के एक एक बच्चे तक पहुंचे, तो जिसमें सपोर्ट होगा आपका। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि टेंस है वो अपने आप में थ्री काइंड्स के होते हैं, यानी कि टेंस के तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने बताया था कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। तीनों टेंस के प्रत्येक पार्ट के बारे में हम बात कर चुके थे, यानी कि पहला जो पोर्शन आ जाता है उसके अंदर इंडेफिनेट, जिसको अपन सिंपल भी बोलते हैं, सेकंड नंबर पे आ जाता है कंटिन्यूस और फिर आ जाता है परफेक्ट और फिर आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। चारों टेंस के पार्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है ये चीज़ें हम पहले की क्लास के अंदर बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं वह क्लास आपने देख ली होगी और वहाँ पर आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। आगे के पोर्शन के अंदर अभी अपन लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जिसको आपको कहीं कहीं ग्रामर की बुक के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको नाम का ध्यान रखना है। हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ आ जाए टेंस का, तो आपको ध्यान रखना है जब सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही इंडेफिनेट टेंस है और वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कोई कन्फ्यूजन का चक्कर नहीं रखना है। क्योंकि अपना स्कूल ऐप का सबसे पहला एक ही टारगेट है कि आपके बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए बिल्कुल क्लियर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ आ गया है स्क्रीन के ऊपर, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है वर्तमान काल। कुछ एग्जाम्पल पहले दे रखे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमें टेंस को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप समझिए एग्जाम्पल को। मैं एक एक आपके साथ रीड करता हूं ताकि आपको वो चीज़ पहले दिमाग के अंदर फिट हो सके। पहला एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है कि मैं खुश हूँ, मतलब मैं जैसे कि क्लास लेकर बहुत खुश हूँ, या फिर आपको कोई सरप्राइज जो चीज़ मिलने वाली थी वो आपको आज वो मिल चुकी है और आप बहुत खुश हैं। तो इस टेंस के अंदर अपन जब यूज करेंगे तो इसको लिख देंगे आई एम हैप्पी। एक डिस्प्ले पे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि वह घर पर पढ़ाई करता है। वह यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे पता चला मुझे कि वह यहाँ पर अपने आप में ऐसी नाउन है जो सिंगुलर भी है और साथ साथ में वह मेल भी है। देखिए, हमने ये टॉपिक भी पहले पढ़ चुका है कि जिसके अंदर हमने बताया था कि नाउन अपने आप में सिंगुलर से प्लूरल कब होती है, वर्ब अपने आप में सिंगुलर से प्लूरल कब होती है। कोई किसी प्रकार का हेजिटेशन वाली बात नहीं है, आपको जब टाइम मिले तो आप क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के वीडियो के अंदर वहाँ पर क्लास जब देखेंगे तो उसके अंदर पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि कब तो वो सिंगुलर होगा और कब अपने आप में प्लूरल होगा। नाउन को प्लूरल बनाते समय क्या करना है, वर्ब को प्लूरल बनाते समय क्या करना है, फिर भी मैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए, नाउन के अंदर जब कभी भी हमें एस या ई एस ऐड करते हैं तो वह बन जाता है प्लूरल नाउन, यानी कि नंबर के टॉपिक में आता है, वचन के टॉपिक में आता है। मोर देन वन कोई चीज़ होती है तो वो अपने आप में क्या चीज़ बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। इसी प्रकार जब वर्ब की बात आती है तो वर्ब जस्ट डायरेक्शन अपोजिट के रूप में काम करता है, यानी कि नाउन जब जब एस या ई एस ऐड करने से प्लूरल बनती है, लेकिन वर्ब में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वर्ब इसके जस्ट क्या चलती है, अपोजिट चलती है, बिल्कुल विलोम चलती है, बिल्कुल विपरीत चलती है। मैंने ये बात बोली कि अपने आप में नाउन तो बन रही है प्लूरल,
तो इसका मतलब प्लूरल का अपोजिट क्या होगा? सिंगुलर। तो वर्ब क्या बनेगी अपने आप में? सिंगुलर। कब बनेगी? ध्यान दीजिए इस बात पे, कब बनेगी? जब एस या एस ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे? वर्ब में ऐड कर देंगे। तो बात ध्यान रखनी है, वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे उसी टाइम पे ऐड करते ही वह बन जाएगी प्लूरल, और नाउन में एस या एस ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी सिंगुलर। चलिए, यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ रहा था कि वह घर पर पढ़ाई करता है। करता है, इससे हमें पता चल रहा है कि वह अपने आप में मेल है, लड़का है और अकेला है। तो इसके अंदर लिखा हुआ आ गया है कि ही स्टडीज एट होम। देखो कितने प्यारे प्यारे स्लाइड के रूप में सजाए हुए हैं चारों टेंस को। इसमें सबसे पहली स्लाइड के ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा पहचान वर्ड लिखा हुआ है। यानी कि आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि पहचान, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। बिल्कुल ऐसा ही टेंस है। टेंस में जब हम टोटल 12 के 12 टेंस पढ़ते हैं तो हमें 12 के 12 टेंस के अंदर हमें देखना पड़ता है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट को कैसे पहचाना जाएगा, बिल्कुल डिस्प्ले पे क्लियर से लिखा हुआ है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आ जाए, या फिर है, हाँ, हूँ, ही, ऐसे वर्ड आ जाए, तो ऐसे वर्ड से आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि वह किस प्रकार का टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। यानी पहला काम तो मेरे पास में क्लियर हो चुका है, पहला निशाना बिल्कुल सही जगह पे लग चुका है, मुझे आइडेंटिफाई करने का पैटर्न अब क्लियर हो गया है। जब भी टेंस पहचानना है तो हमें कैसे पहचानना पड़ेगा? हमें पहचानना पड़ेगा हिंदी की पहचान बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश की पहचान पे अभी आएंगे अपन। हिंदी में क्या करना है? सेंटेंस को रीड करना है। रीड करते समय हिंदी के अंदर सेंटेंस के जैसे अपन लास्ट हिस्से में पहुँचते हैं, यानी प्रेडिकेट के भी बिल्कुल लास्ट पोर्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा ता है, ती है, ते है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, वह जाता है, वह खेलता है, वे सोते हैं, हम बाजार जाते हैं। न जाने कितने प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हमें दिन भर सुनने को मिल जाते हैं। मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, वह अंग्रेजी बोलता है। सबके अंदर ता है, ती है, ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो सबके सब शब्दों के पीछे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वह टेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को इंग्लिश में सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि हम आगे स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरी तरह से और क्लियर हो जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस है इसके अंदर सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट के बाद में ओनली ऑन वर्ब मिलेगी और वर्ब के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिमेनिंग जो सेंटेंसेज है, हमने क्लास में सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग के अंदर, हमारे पास में 5 तरीके के सेंटेंस आए थे, 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेज, जिसके अंदर हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी के बारे में डिस्कशन किया था। मीन्स सिंपल सेंटेंस को छोड़ के रिमेनिंग सेंटेंस में अगर मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई दे जाए डू या फिर डज, ये लेटर आ जाते हैं, इसका मतलब वो टेंस बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या देखना है? फिर से मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ, वह कविता लिखती है, ती है, वे विद्यालय जाते हैं, ते हैं, ऐसे वर्ड्स लास्ट के अंदर देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्लियर हो गया है मुझे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के दिन भर चारों तरफ न जाने कितने एग्जांपल, मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, वह खेलता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, माताजी खाना बनाती है, वह जल्दी उठता है, वे जल्दी सो जाते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं, न जाने दिन भर कितने ऐसे काम जो अपने आप में वर्तमान काल में अपन को सामने दिखाई देते हैं, लेकिन जिन शब्दों के पीछे दिखाई दे केवल और केवल ता है, ती है, ते हैं, तो प्यारे बच्चों वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। कंटिन्यूस में छोटी सी चीज़ों में कन्वर्ट करना है, शब्द है रहेगा लेकिन उसके आगे आ जाएगा रहा,
या फिर रही या फिर रहें, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, और कंटिन्यूस के अंदर वापिस है। जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस वाली चीज़ें वापिस आएगी, यानी कि रहा है, रही है, वही चीज़ें आ रही है, बट साथ में दिया हुआ होगा समय। हम बाकी के टेंस में डिटेल में बाद में बात करेंगे। बार बार कह रहे हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर रहे हैं हम प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल में पहली बात तो क्लियर हो गई आपको, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हिंदी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे। देखो डेफिनेशन, परिभाषा हिंदी में लिखी हुई आ रही है आपके सामने कि ऐसा टेंस जिसका प्रयोग, जिसका यूज है केवल और केवल आप यूज करते हैं रेगुलर एक्शन के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की इररेगुलर जो आपके एक्शन है उसके लिए, या फिर आपकी कोई हैबिचुअल चीज़ें हैं, या आप कोई रिपीट कर रहे हैं, या फिर कोई जनरल फैक्ट आ जाते हैं, या फिर कोई ट्रू स्टेटमेंट आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो टेंस कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हो जाता है। कैसे पहचानेंगे ये अभी अभी मैंने बता दिया है, फिर भी अपन ने एक बार और लगा दिया है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं हट जाता हूँ साइड में, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आ गया होगा आपका स्क्रीनशॉट और आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को कैसे हम करेंगे आइडेंटिफाई और किस तरीके से हमें इसे है पहचानना है। चलिए कुछ इससे रूल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं एग्जाम्पल, जिससे हमारे को वो चीज़ें हो जाती है और ज़्यादा क्लियर। देखिए एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हैं। डिस्प्ले पे मैं एग्जाम्पल लगा देता हूँ एक बार, ताकि हमें प्रेजेंट सिंपल को और ज़्यादा कंसेप्ट के साथ में क्लियर कर सकें। एग्जाम्पल नंबर वन दे रखा है कि मैं यहाँ रोज आता हूँ, रेगुलरिटी की बात हो रही है, रेगुलर एक्शन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय हमें क्या बना देना है, आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ क्लास लेने के लिए, रोज आता हूँ। मुझे पता है कि हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं रोज क्लास लेने के आया करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ रोज आता हूँ, रेगुलर एक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और दे रखा है इररेगुलर एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि इरेगुलर एक्शन के रूप में। भूकंप जापान में आते हैं, अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान, कहाँ पर आते हैं, जयपुर में नहीं आ रहे हैं, जापान में आ रहे हैं। ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस को, तो जापान की बात की जा रही है और इरेगुलर एक्शन है, यानी कि ऐसी घटनाएं रेगुलर नहीं होती है। जापान में अक्सर भूकंप की घटनाएं अपन को सुनने को मिलती रहती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रेगुलर और इरेगुलर में कैसे, एक हैबिचुअल का भी एक्शन दे रखा है हमारे पास में, उसको भी अपन देख लेते हैं। मैं देर रात में सोता हूँ, मतलब लेट तक पढ़ाई करता हूँ, इसलिए मैं क्या है, देर रात में सोता हूँ, आई स्लीप लेट एट नाइट। ये भी एग्जाम्पल हमारी हैबिचुअल एक्शन का हो गया है। तो हमारी कोई रेगुलर हैबिट है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर हमारे कोई फैक्ट्स हैं, या पूरे होल स्पेस के अंदर आपको कोई चीज़ यूनिक नज़र आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में किस टेंस का यूज कर लेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज कर लेंगे। बात आ जाती है डिस्प्ले पे लिखी हुई कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट जो सेंटेंस दिए हुए मिल जाते हैं, उससे हम सेंटेंस कैसे बनाएं। चलो जनरल हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम सेंटेंस को फ्रेम करना भी सीख ही लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। देखो जल्दी आ रहे हैं आप लोग, थोड़े से जल्दी आया करो, थोड़ी सी क्लास निकली है, ज़्यादा क्लास नहीं निकली है, बहुत अच्छे। आपको देखो बच्चे बोल रहे हैं साथ साथ में कमेंट के अंदर कि सर एक्सरसाइज भी दिया करो। बिल्कुल एक्सरसाइज देते हैं, लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देते हैं समय, आप उन एक्सरसाइज के ऊपर गौर करें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, चलो बच्चे बोल रहे हैं कि क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, टाइमिंग चेंज होगा क्या? नहीं, बिल्कुल टाइम चेंज नहीं हो रहा, यही टाइम रहेगा रेगुलर, आप टेंशन मत कीजिए। क्या वीडियो सेव भी रहते हैं? बिल्कुल वीडियो सेव रह रहे हैं, आप लाइव क्लास में अपने साथ साथ में कमेंट दे के रिप्लाई हैंड टू हैंड आपको मिल जाता है, तो कोशिश करें, ट्राई करें। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप क्लास आगे पीछे बाद में देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, अदरवाइज आप रेगुलर क्लास लाइव में लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं अपन, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे इसके ऊपर अपन बात कर रहे थे।
डिस्प्ले में सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ आ गया है कि आपको अगर अफर्मेटिव यानी कि सिंपल यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको अपन कह रहे हैं, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दो पोर्शन डिवाइड कर दिए गए हैं। आजकल नई ग्रामर जब अपन पढ़ने को देखते हैं तो उसमें एक तरफ में डिक्लेरेटिव के अंदर या स्टेट के अंदर आते हैं पॉजिटिव वे वाले यानी कि सिंपल सेंटेंस, एक तरफ आ जाते हैं नेगेटिव वे वाले यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फिर सेंटेंस को फ्रेम करने का प्रोसेस देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, अफर्मेटिव के अंदर दिया है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया जाएगा सबसे पहले तो आप उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस यूज करना है, इसके जस्ट बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट। बट आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो नाउन है उसमें एस या ईएस ऐड करोगे वो प्लूरल बन जाएगा, वर्ब में आप एस या ईएस ऐड करोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए तो अफर्मेटिव में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर सब्जेक्ट आ जाता है प्लूरल, प्लूरल आते ही ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है। नेगेटिव सेंटेंस में ही केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन आता है, तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग डू या डज को हम यूज कर लेंगे। प्लूरल के लिए आप डू यूज करेंगे और सिंगुलर के लिए आप डज यूज कर लेंगे। तो यानी स्ट्रक्चर क्या बन जाता है मेरे पास में, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज और इसके बाद में आ जाता है नॉट और फिर आ जाती है वर्ब, वर्ब के अंदर ओनली वी वन आएगी और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग डू डज को अपन डिवाइड कर लेंगे। फिर हमारे पास में दिया हुआ है क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिंपल सा फंडा है, जब स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास में यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है अभी निकाल के हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है और हेल्पिंग वर्ब पहले आते ही वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल बच्चे का कमेंट आ गया है यहाँ पे, देखो उपवन बोल रहा है, स्मृति बोल रही है कि सेंटेंस तो हम पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल हमने क्लास के अंदर सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फाइव टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन बता दिया था, हाँ यस और नो के अंदर जवाब दिए हुए थे क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप वैसा इसको पहचान सकते हैं। तो आपको इंटरोगेटिव में क्या ध्यान रखना है कि डू और डज को पहले लगा देंगे, इसके जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपको लगा देना है वर्ब, फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारे पास में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, फॉर्मेट वैसे का वैसा रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में फिट कर देंगे, आगे आप डू और डज लगा देंगे, इसके जस्ट बाद में आप सब्जेक्ट लगा देंगे। मैं वापस से ये बात कह रहा हूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू को यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज को यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। क्लियर है ये बात, इसी में ज़्यादातर मिस्टेक होती है, इसलिए इस बात को कहीं पर भी आप नोट कर लीजिए। डू आएगा सब्जेक्ट कौन सा आएगा तब, प्लूरल, और डज आएगा कौन सा सब्जेक्ट आएगा तब, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ में डू यूज करना है। तो ये तो है हमारे पास में स्ट्रक्चर। देखो एक डिस्प्ले लगी हुई आ गई है, इसके अंदर आपको सिंगुलर और प्लूरल का जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा क्लियर करने का अपन प्रयास करेंगे, ट्राई करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इस चार्ट के ऊपर एक तरफ लिखा हुआ आ गया है सब्जेक्ट और एक तरफ लिखा हुआ है वर्ब का टाइप। जैसे एक तरफ सब्जेक्ट में लिखा हुआ आ रहा है वी ऑब्लिक दे, और वी और जो दे दिया हुआ है वो अपने आप में यहाँ पर है प्लूरल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब प्लूरल आएगा तो वर्ब भी जस्ट सामने कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, तो प्लूरल के लिए जैसे कि लगा रखा है गो, तो वी गो या फिर दे गो, ऐसा सेंटेंस को अपन ट्रांसलेशन करते समझ सकते हैं। आगे दे रखा है हमारे पास में ही ओब्लिक सी, अब आप समझ गए होंगे ही और सी तो आपको ध्यान है सिंगुलर है, नाउन है या प्रोनाउन है, बिल्कुल प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्रोनाउन है, मेल और फीमेल को अलग अलग करके लिखा गया है, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी यूज किया गया है। बट आगे क्या ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर आपको सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना है वह जाता है या फिर वह जाती है तो आप ही गोज या फिर सी गोज, जहाँ जा रही है वो टू लगा के अपन आगे लिख देंगे, मार्केट जा रही है, मंदिर जा रही है, या फिर स्कूल जाता है या प्लेग्राउंड जाता है, घूमने जाता है, तो टू लगा के हम क्या कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे।
एक एग्जाम्पल और दे रखा है, नेम लिख के दिया हुआ है कि जैसे राम और मोहन नाम आ जाए, सिंगुलर नाम है, अपने आप में सिंगुलर नाउन है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया है, सिंगुलर हो गया है, वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। आई होप सो दैट दिस चार्ट इज आर ऑल स्टूडेंट्स हैव क्लियर। आपको सबको ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि जब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है, जब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तब तब आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिया हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल यूज कर लेने। चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर्मेशन की ओर। रुकिए रुकिए रुकिए, बढ़ने से पहले एक छोटा सा असेप्शन केस दे रखा है, अपवाद दे रखा है। दुनिया में अपवाद की सिचुएशन तो कहाँ नहीं है, तो टेंस में भी अपवाद मिल गया। अपवाद के रूप में लिखा हुआ है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जहाँ कहीं भी आपको आए और जहाँ कहीं भी यू लिखा हुआ जाए, देखो बोलने से हमें ये लगता है कि आई मतलब मैं मेरे लिए यूज कर रहा हूँ, यू मतलब मैं तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूँ, बट जब वर्ड लिखा हुआ आता है तो हम कंफर्म नहीं है कि यू वहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है। पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आई और वी को यूज करना है तो इसको क्या मान के यूज करना है, प्लूरल मान के यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, तो आई के साथ में क्या यूज कर लिया, हैव। आई यहाँ पे क्या मान लिया, प्लूरल, और हैव क्या हो गया, अपने आप में वर्ब आ गई प्लूरल। एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि आपको आइसक्रीम पसंद है, यू लाइक आइसक्रीम। अब यू यहाँ पे लिखा हुआ है, पता नहीं है सबके लिए बोल रहे हैं या अकेले बच्चे के लिए या अकेले व्यक्ति या अकेले पर्सन के लिए बात हो रही है, बट आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको क्या मान लेना है, प्लूरल मान के कर लेना है, सिंपल सी बात है। आई होप सो दैट अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट्स बताएं, हम आपको तुरंत ही आपके कमेंट के अकॉर्डिंग उन डाउट के ऊपर लेकर हाजिर हो जाएगा अपना स्कूल ऐप आपके सामने डाउट क्लास को लेकर। तो तब तक आप देखते रहिए नए वीडियो को, नए लेक्चर को। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई उमंग और एक नई जोश के साथ में। ध्यान रखें अपना स्कूल ऐप आपके लिए लेकर आया है समर हॉलीडेज को बेनिफिशियल डे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से भरपूर, नॉलेज से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए वीडियोज और बढ़ाते रहिए मनोरंजन के साथ अपना नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।